हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मेड इजी विद गुंजन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ाई चिकन की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से और बहुत कम समय में बनने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी देखनी है तो मेरे साथ चलिए मेरे किचन में और एंड तक मेरा वीडियो देखिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस करिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़े से सूखे गरम मसाले लिए हैं। लाल मिर्च, काली मिर्च, खड़ा धनिया, दालचीनी, जावित्री, जायफल, लौंग, ज़ीरा, तेज़पत्ता, तो सारी चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। जायफल और बड़ी इलायची को मैंने तोड़ लिया है। इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ और कम से कम एक मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ हाई मीडियम फ्लेम पर। जलना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। जब ही ठंडा हो जाएगा तब इसको मिक्सी के जार में पीस लूँगी। और इसको तेज़पत्ते को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके पीसना है क्योंकि आसानी से पिस जाएगा। सेम कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच डाल दिया है। इसी में प्याज, लहसुन और अदरक को फ्राई कर लेते हैं कम से कम 2 मिनट के लिए, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। कवर करके मैं डाल रही हूँ क्योंकि जिससे आपके ऊपर तेल की छींटे ना पड़े। इसको भी हाई मीडियम फ्लेम पे ही आप फ्राई करिए। और ये भी जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद पीसेंगे। जब इसको ठंडा हो जाने के बाद ही पीसना चाहिए, नहीं तो इसकी जो स्टीम है उससे जार को खुलने का डर रहता है। और टमाटर को भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ सेम कढ़ाई में। थोड़ा सा कवर करके मैं इसको पका लेती हूँ 1.5 से 2 मिनट के लिए, जिससे इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो प्याज के साथ ही टमाटर को भी फ्राई कर सकती हैं। और टमाटर निकालने के बाद उसी कढ़ाई में ही मैंने और मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है 4 चम्मच से 3 चम्मच के करीब। और इसी में मैं चिकन डाल देती हूँ कवर करके। चिकन मैंने लिया है 750 ग्राम। चिकन को भी मैं बराबर चलाते हुए 10 से 12 मिनट करीब के लिए भून लूंगी। फ्लेम अपने हिसाब से ही रखें। अगर आप बराबर चलाते हुए फ्राई कर रही हैं तो फ्लेम आप तेज कर सकती हैं। और देख रही हैं आप, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल दिया है 5 मिनट भूनने के बाद, और कलर वाली मिर्च डाल दी है। स्टार्टिंग में मैंने नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि चिकन पानी छोड़ने लगता। और आफ्टर 5 मिनट्स मैंने नमक डाल दिया और मिर्च डाल दी कलर वाली। आप चाहें तो खाने वाली वैसी तीखी मिर्च भी डाल सकती हैं। चिकन को मैंने करीब 10 से 12 मिनट फ्राई किया है और गैस की फ्लेम अब मैं बंद कर देती हूँ। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ जो मैंने अभी फ्राई करा था और उसके बाद उसको मैंने पीस लिया था। और इस समय गरम मसाला डालने से चिकन के पीसेस में अंदर तक मसाला पहुँच जाएगा। इसको भी मैं कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। उसी कढ़ाई में ही मैंने मस्टर्ड ऑयल और नहीं डाला है, उसी में मैं कलर वाली मिर्च और हल्दी डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने ये प्याज, लहसुन, अदरक जो पीस के रखा था वो डाल दिया है। और इस पिसा टमाटर भी डाल देते हैं। चूँकि ये पका हुआ मसाला है तो इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये पहले से भुना हुआ है। और इसमें मैं अब चिकन के पीसेज ऐड कर देती हूँ क्योंकि चिकन भी ऑलरेडी भुना हुआ है और मसाला भी भुना हुआ है। तो मैंने ज़्यादा देर नहीं भुना, 5 मिनट करीब भुना है। और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास डाला है, आप चाहें तो कम भी रख सकती हैं। और यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर लिया है, केवड़ा मैंने 2 बूंद डाला है। और इसको आप स्किप कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है। केवड़ा डालने से थोड़ा सा एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और हाई मीडियम फ्लेम पे मैं इसको करीब 25 से 30 मिनट पकाती हूँ, या जब तक चिकन अच्छे से पक ना जाए। नमक मैंने पहले डाला था तो चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसको बीच में मैंने 2-3 बार चला भी दिया है। और ये देखिए, 30 मिनट करीब पकने के बाद मैंने इसको चेक किया तो फ्लश अलग हो रहा है बोन से, इसके मतलब आपका चिकन पक चुका है। और इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। और उसको फिर मैं दोबारा कवर कर देती हूँ जिससे धनिया की खुशबू अच्छे से आ जाए। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी, कितना यमी, देखने में अच्छा लग रहा है, उतना खाने में भी बहुत अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से रेसिपी को आप देखिए और बनाइए और मुझसे ज़रूर शेयर करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।